हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी। वीडियो है आज का क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। और हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस पढ़ने से पहले तीन उसके बेसिस होते हैं जिन बेसिस पर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट। देखिए डोमेस्टिक इनकम क्या है, जिसको एनडीपीएफसी बोलते हैं। इट इज ए टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट एज इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये मेन बात है कि डोमेस्टिक इनकम में क्या है, उन सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज को एड अप कर लिया जाता है जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होती है किसी कंट्री की। जबकि नेशनल इनकम की बात करें तो इट इज अ नेशनल कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द एंटायर वर्ल्ड। ये क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, जबकि ये क्या है गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन एंटायर वर्ल्ड में। तो एक तो सिंपल सा है, इफ द गुड्स एंड सर्विसेज उनकी जो है फाइनल वैल्यू टेकन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, दिस इज कॉल्ड एनडीपीएफसी। जबकि अगर आप एंटायर वर्ल्ड में देखें इसको, नेशनल कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें इंक्लूड होता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू। तो अगर एंटायर वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम, तो एनएनपीएफसी हो जाता है, यानी कि हमारी नेशनल इनकम हो जाता है। अगला जो डिफरेंशिएट का बेसिस है कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर। अब डोमेस्टिक इनकम के अंदर क्या है, इट कंसीडर ऑल प्रोड्यूसर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। सारे प्रोड्यूसर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जोड़ते हैं, जबकि नेशनल में इट कंसीडर ऑल द प्रोड्यूसर हु आर नॉर्मल रेजिडेंट। यहां पर क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोड्यूसर है, और यहां पर क्या है नॉर्मल रेजिडेंट होने चाहिए जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में है, चाहे वो कहीं भी काम कर रहे हैं, वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट आता है नेशनल इनकम में, जबकि डोमेस्टिक में क्या आता है ऑल प्रोड्यूसर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और यहां पर नॉर्मल रेजिडेंट। बात करें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA की, तो नेशनल डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होता है ये, जबकि नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाता है। अगर डोमेस्टिक में ऐड कर दे NFIA तो फिर हम पहुंच जाए, डोमेस्टिक इनकम में NFIA इंक्लूड नहीं होता और नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाता है। तो तीन तरह के बेसिस पर इसके डिफरेंशिएट बनता है। पहला नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट किसका है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सभी प्रोड्यूसर के द्वारा फाइनल गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के, जबकि ये क्या है एंटायर वर्ल्ड में प्रोड्यूसर्स के द्वारा फाइनल गुड्स और सर्विसेज की। कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कहां होते हैं इसके विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जबकि नेशनल इनकम के अंदर ये होगा नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में ऑफ द कंट्री। NFIA डज नॉट इंक्लूड इन डोमेस्टिक इनकम, जिसको बोलते हैं NDPFC, एंड इट डज इंक्लूड इन नेशनल इनकम विच इज कॉल्ड NNPFSC। तो ये था इसका एक डिफरेंशिएट का कॉन्सेप्ट। चलिए फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं कैसे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में एक रिलेशन क्या है। आपको गिवन है डोमेस्टिक इनकम, जिसको NDPFC बोलते हैं। इस तरफ से आपको ये चार्ट बता रहा है कि कैसे आप डोमेस्टिक से कहां पे पहुंच सकते हैं NNPFC, विच मींस नेशनल इनकम। ठीक है, क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं, ये प्रोसीजर बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आगे चल के न्यूमेरिकल। इस स्टेप को ध्यान से समझना, क्योंकि ये स्टेप आपको बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व कराने में हेल्प करेगा। तो जो पहला है क्या है, देखिए NDPFC, अगर आप इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, डेप्रिसिएशन इसमें ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, नेट से ग्रॉस पर आ जाओगे आप। ये तो आपको पता ही है कि ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस होता है, बट अगर पहले ही नेट पर है और आपने डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया तो आप नेट से कहां पे आ गए, ग्रॉस पे, बाकी सेम रहेगा GDP@FC। अब NIT इसमें ऐड कर दीजिए
तो क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस पर आ जाओगे। ये पता है ना आपको कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए माइनस होता है, जबकि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आने के लिए एनआईडी को आप प्लस कर लेंगे। अब आप कहां पहुंच गए, जीडीपी एंड एमपी। देखिए इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जीडीपी एमपी में से तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस से नेट मार्केट प्राइस पर। इसमें से अगर हमने एनआईटी माइनस कर दिया, मार्केट प्राइस से कहां पहुंच गए, फैक्टर कॉस्ट, और एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर आप ऐड कर दे इसमें, तो सीधा सा सवाल हो गया ये कि आप पहुंच गए नेशनल इनकम पर। दोबारा बताता हूं कि अभी डोमेस्टिक इनकम दे रखी है, अगर आप इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करें तो जीडीपी एफसी हो जाएगा, अगर आप एनआईटी ऐड कर दें तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आ जाते हैं। इसके बाद देखिए अब जीडीपी एंड एमपी पर आप आ गए, डेप्रिसिएशन माइनस करें ग्रॉस से नेट, एनआईटी माइनस करें फैक्टर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, और ये हो गया वापस आपका क्या, एनडीपीएफसी। इसमें अगर ऐड हो जाता है एनएफआईए तो सीधा आ जाएगा आपका नेशनल इनकम। तो क्लियर हो गया इस तरफ का फ्लो चार्ट क्या बता रहा है, नेशनल इनकम में आप डेप्रिसिएशन प्लस कर दीजिए तो क्या होगा, नेट से ग्रॉस पर आ जाओगे। आप एनआईटी प्लस कर दो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आ जाओगे। इसके बाद देखिए जीएनपी एमपी आ गया आपका, अब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए, अब क्या होगा ग्रॉस से नेट पे जीएनपी एमपी का क्या हो जाएगा, एनएनपी एट एमपी। अब एनआईटी माइनस कर दिया हमने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर, लेकिन यहां पर अभी भी एनएफआईए इंक्लूड है, उसको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एनएफआईए घटते ही वापस आप कहां आ जाओगे, नेशनल इनकम पे, सॉरी डोमेस्टिक इनकम पे। कहां पर आ जाओगे एनएफआईए माइनस करते ही, डोमेस्टिक इनकम। तो ये फ्लो चार्ट बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाया मैंने, डोमेस्टिक इनकम डेप्रिसिएशन ऐड करा नेट से ग्रॉस, एनआईटी ऐड करा फैक्टर से मार्केट, फिर डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो क्या होगा, नेट पर आ जाओगे, एनआईटी माइनस कर दो फैक्टर पर आ जाओगे, और एनएफआई ऐड कर दो नेशनल इनकम बन गया। इसमें ऐड कर दो डेप्रिसिएशन तो ग्रॉस हो जाता है, एनआईटी प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट का मार्केट प्राइस हो जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे ग्रॉस से नेट हो जाता है, एनआईटी माइनस करोगे एमपी से एफसी हो जाता है, और एनएफआई माइनस कर दिया तो सीधे हो जाएगा आपका डोमेस्टिक इनकम। तो ये था आपका फ्लो चार्ट, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट तो जरूर समझ में आ गया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा लेना जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।